हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 6। ठीक है, मैंने बहुत ही डिटेल में प्रीवियस वीडियो में समझाया था, प्रीवियस क्लास में समझाया था आपको कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है। अगर कोई बच्चा को डाउट है, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है ऑर्थो सेंटर क्या है, तो बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया। 43 मिनट्स का वीडियो है वो, आप जाके उसको देख लो, मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 6। तो वर्कशीट नंबर 6 में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। बस हमने तो कॉन्सेप्ट सारे समझ लिए, अब देखो कितना ईजी आपको लग जाएगा। देखो अब आप किसी को भी याद नहीं रखना पड़ेगा कि इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर की तरह याद मत रखो इसको। फिल इन द ब्लैंक जैसे आप रट्टा मारते हो, मतलब साइंस में हो गया, SST में हो गया, वैसे रट्टा नहीं मारना है आपको, मैथ्स है समझने के लिए। तो जो समझाने का जो काम है मैंने प्रीवियस लेक्चर में कर दिया है, आज यहाँ पर सिर्फ हम उसको जो याद, उस याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बस ध्यान में रखना है जो मैंने समझाया, बस इसका आंसर बोल सकते हो क्या आंसर होगा इसका। अब मैं इसका क्वेश्चन सारे पढ़ता हूँ, आप मुझे आंसर खुद आप करके मुझे बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप चीज़ों को अच्छी तरह समझे हो प्रीवियस लेक्चर में, तब इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश फ्रॉम अ वर्टेक्स एंड डैश टू द अपोजिट साइड। क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल का जो अल्टीट्यूड होता है, या अल्टीट्यूड जो है हाइट भाई है, ट्राइंगल का जो अल्टीट्यूड जो होता है इज ए क्या, वो क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ट्राइंगल का जो अल्टीट्यूड है बच्चों वो क्या है, एक मिनट, ये लाइन सेगमेंट। यहाँ पर आंसर क्या होगा, लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पर आंसर लिख दो लाइन सेगमेंट। एंड अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स। वर्टेक्स से क्या निकल रहा था याद है, लाइन निकल रहा था ना, लाइन सेगमेंट निकल रहा था, वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट निकल रहा था। एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स, कहाँ तक जा, डैश टू द ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड से उसका रिलेशन क्या हो रहा था, वो जो लाइन सेगमेंट निकल के वर्टेक्स से लाइन सेगमेंट निकला ऑपोजिट साइड को जा रहा था, उसका दोनों का रिलेशन क्या था, दोनों परपेंडिकुलरली मीट करते, तो यहाँ पर आंसर होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड, परपेंडिकुलर। ठीक है, हो गया पहला क्वेश्चन, समझ के हम करेंगे। नंबर टू, द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स डैश। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट है, पॉइंट ऑफ कंकरेंस क्या बोलते हैं, डाउट है मुझे पता है आपको, डाउट थोड़ा बहुत होता होगा, एक दो बच्चों को डाउट होगा क्योंकि उन्होंने क्लास 6 में ठीक से नहीं पढ़ा है, क्लास 6 में इसके बारे में सब कहा गया है। पॉइंट ऑफ कंकरेंस क्या बोलते हैं, कहीं से भी लाइन है मुझे कुछ मतलब नहीं है, कहीं से भी लाइन सेगमेंट आए, अगर वो एक ही पॉइंट को सारे लाइन सेगमेंट आके मीट करते हो, सपोज यहाँ मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा पी, तो एक लाइन कहीं से आया, मुझे पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कहीं से भी आया बट ये पी पॉइंट को मीट करे, और एक लाइन यहाँ पर एक लाइन कहीं से, लाइन सेगमेंट कहीं से भी आ रहा है बट वो पी पॉइंट को मीट कर रहा है, और एक लाइन सेगमेंट यहाँ कहीं से भी कोई आए अगर वो सेम पी पॉइंट को मीट कर रहे हैं तो उसको बोलते, ये जो पॉइंट है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंस। तो उस तरह का पॉइंट ऑफ कंकरेंस अल्टीट्यूड का जब हो रहा था, ट्राइंगल का जो अल्टीट्यूड है उस तरह का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस जो हो रहा था उसको हम क्या बोल रहे थे बच्चों, उसको हम बोल रहे थे ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट 3। इन राइट एंगल, इन राइट ट्राइंगल द ऑर्थो सेंटर इज अ डैश। बताओ मुझे राइट ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ हो रहा था, याद करो, वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल समझाया था, फिगर करके समझाया था, याद आया। ठीक है, जिसको समझना है इस कॉन्सेप्ट कैसे, यहाँ पर जो आंसर वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल क्यों होगा, वो जाके प्रीवियस लेक्चर में देखे, बहुत अच्छी तरह मैं चीज़ों को समझाया हूँ, कोई भी देखेगा उस लेक्चर को समझ जाएगा। इन राइट एंगल, इन राइट ट्राइंगल द ऑर्थो सेंटर इज एट वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। ठीक है, इसके बारे में मैंने समझाया था, ठीक है जाकर देख लो। बिट 4, द अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल सेट ऑफ आइसोस्कलिस ट्राइंगल। तो आइसोस्कलिस ट्राइंगल जो मैं हम अल्टीट्यूड जो ड्रॉ कर, जो मैंने आपको बताया था वो क्या हो रहा था, दोनों अल्टीट्यूड क्या हो रहे थे, इक्वल हो रहे थे, दोनों अल्टीट्यूड क्या हो रहे थे, इक्वल, जिसका आंसर होगा इक्वल। ठीक है, अब आते हैं बिट 5, द थ्री अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर डैश। तीन जो इक्वल ट्राइंगल में जो तीनों अल्टीट्यूड थे वो तीनों सेम थे ना, हम पढ़े हैं उसके, इसका भी मैंने फिगर ड्रॉ किया है, हर एक क्वेश्चन का मैंने फिगर करके आपको समझाया है, ऐसा नहीं कि आपके बुक में सिर्फ लिखा था मैंने पढ़ दिया है बस, वैसा नहीं है, आप जाके प्रीवियस लेक्चर देखो आपको मजा आएगा। ठीक है, आप चीज़ों को समझोगे वहाँ पर, जब समझ में आएगा ना, जहाँ समझ पाओगे वहाँ पर मजा भी आता है। द थ्री अल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल्स आर सेम। रट्टा मारोगे बच्चों मजा नहीं आएगा, मैथ्स रट्टा मारने के लिए नहीं है, आप सेम लिख सकते हो, इक्वल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो सेम और इक्वल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं सोचिए थ्योरी पार्ट है, रट लेंगे हो गया, नहीं, मैंने अच्छी तरह चीज़ों को समझाया है, और जिसको रटना है उसके लिए तो हम कुछ बोल नहीं सकते।
जो रट्टा, जिसको रट्टा मारना है वो रट्टा मारे, जिसको समझना है जाके प्रीवियस वीडियो जाके देखे उसको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वर्कशीट 6। वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था प्रीवियस वीडियो, ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा, कोई बात नहीं, दोनों बैलेंस अप कर लो, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, जो बच्चे नया है चैनल पे चैनल को जाकर लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मेरे वीडियोस के मिलते रहें। चलो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, बाय।